सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे और सीडीएस बिपिन रावत को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली कैंट बराड़ चौराहे तक अंतिम यात्रा निकलेगी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे, उनकी ओर से उन्हें पुष्पांजलि दी गई। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि अंतिम विदाई की यहां पर तैयारी की जा रही है, साथ ही यहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं। अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में गम का माहौल है, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, बड़े से बड़े नेता और साथ ही आम जन भी यहां पर पहुंचे उनके आखिरी दर्शन के लिए और उनकी ये अंतिम यात्रा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत अब हमारे बीच नहीं। और आप देख सकते हैं उस देश भावना को जो यहां पर गूंजते नारों के साथ महसूस की जा सकती है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सीडीएस जनरल बिपिन रावत अमर रहे, ये वो नारे हैं जो बयां कर रहे हैं उस एहसास को जो इस समय हर एक देशवासी जो सच्चा देशभक्त है वो महसूस कर पा रहा होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और उससे पहले ये अंतिम विदाई, जो कि सीधी दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था बुधवार का दिन एक ऐसा गम लेकर आएगा जिसे हर एक देशवासी के लिए भूलना नामुमकिन हो जाएगा। इस दिन देश ने अपने कई जाबाजों को खो दिया, जिनमें से एक थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनका नाम ही काफी है देश के दुश्मनों के लिए। देश के दुश्मन सिर्फ उनके नाम से ही थरथर कांपते थे। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी ने किए जिनका नेतृत्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने किया। जानकारी आपको दे दें, वो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। Come on.
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो नारों की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो शब्दों की गूंज यहाँ पर सुनाई पड़ रही है, वो सिर्फ यही बयां कर रही है कि देश के लिए एक सच्चा देशभक्त क्या होता है। किसी देश के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत का नाम क्या होता है, ये वो नाम है जिससे भारत के पड़ोसी दुश्मन थर थर कांपते थे। ये वो नाम है जिसने देशभक्त की एक नई परिभाषा को लिखा। ये वो नाम है जिसने हमें ये जीना सिखाया कि किस तरीके से हमें देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए न्योछावर भी होना पड़ सकता है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी यहाँ पहुंचकर। पीएम नरेंद्र मोदी भी कल पहुंचे थे। श्रद्धांजलि का दौर इस समय पूरे देश में चला हुआ है। बड़ी बड़ी हस्तियां, इतना ही नहीं विदेशी नेता भी इस समय भारत के इस गम में भारत के साथ है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो भाव विभोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। यहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें फिलहाल नम नजर आ रही है। गर्व भी है और दर्द भी है। दर्द है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खोने का और देश के उन जाबांजों को खोने का जो बुधवार को हुए उस हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे, और वो जाबांज आज हमारे साथ नहीं है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्हें अपनों की पहचान के लिए खुद का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे और इन जाबाजों को श्रद्धांजलि जहाँ पर उन्होंने दी, वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत को भी याद हमेशा हमेशा के लिए किया जाएगा।